line, this line 3x minus 4y plus 7 equals to 0 is rotated through pi by 4 angle in clockwise direction. Or clockwise direction mein jab angle hota hai, then it is considered negative angle because it is going according to the clock. So that is negative angle, right? So it is rotated through pi by 4 angle in clockwise direction. Pi by 4 angle se rotate kiya about the point minus 1 1. ठीक है, तो अगर लाइन को -1, -1, 1 पॉइंट के अबाउट रोटेट किया है तो हमें ये भी चेक कर लेंगे हम कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, वो भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा. एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इट्स इन इट्स न्यू पोजीशन इज, तो हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है न्यू पोजिशन में. ठीक है, तो पहला काम क्या कि इस पॉइंट को इसको रफ स्केच किया जाए. -1, 1 है पॉइंट, ये -1, 1 लगभग यहाँ पड़ेगा. ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, पहले ये भी चेक कर लीजिए कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पे ओरिजिनली है या नहीं है. लाइन को अगर इसने रोटेट किया इस तरह से, ये क्लॉकवाइज रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किया है, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट किया है, तो ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह से रोटेशन देगा. ये पॉइंट जो है आप देख रहे हैं पिन पॉइंटेड यहाँ पे है और इसके अबाउट इस तरह से घूमेगी लाइन. ठीक है, सो -1, 1 इस तरह से लाइन रोटेट करेगा, राइट. सो यू जस्ट ड्रॉ वन थिंग कि यहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. लेट से दिस इज -1, 1 और ये लाइन की इक्वेशन है 3x - 4y + 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ द लाइन. एंड लाइन इज रोटेटेड थ्रू द पाई बाय 4 एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ऐसा लाइन जो है इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमेगी, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमेगी. और लेट से ये पाई बाय 4 एंगल से इसको रोटेट कर दिया लाइन को, तो दिस इज द न्यू लाइन, दिस इज द न्यू लाइन, ये नई लाइन बन गई और इसकी अब हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है. ठीक है, देखिए अब यहाँ पॉइंट क्या होगा कि पाई बाय 4 एंगल ऑलरेडी था यहाँ पे, दिस इज द पाई बाय 4 एंगल, और जो प्रीवियस इसका एंगल था वो टोटल ये एंगल था इसका, लेट से ये अल्फा था पूरा एंगल लाइन जो ओरिजिनली ओल्ड एंगल जो क्रिएट कर रही थी, दैट वाज द सम से अल्फा एंगल, राइट. तो इसका स्लोप देखिए यहां से निकालेंगे, लाइन को आप डायरेक्टली लिख लें 3x = 4y और -7 उधर चला जाएगा, 3x - 7 = 4y और y = 3/4x - 7/4 एंड दिस इज द स्लोप. सो इफ इट इज मेकिंग द अल्फा एंगल तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा की वैल्यू 3/4 है. लेट लाइन वॉज मेकिंग द अल्फा एंगल विद द एक्स एक्सिस, राइट, पहले ओल्ड. अब न्यू पोजिशन में जब एंगल बना रही होगी तो ये एंगल बनाएगी विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस यहाँ पे होगा हालांकि, तो उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं, उसमें ऐसा देख सकते हैं हम इसको. और ये एंगल हो जाएगा, दिस इज द कंप्लीट एंगल अल्फा, और अल्फा में से ये एंगल आप देखिए यहाँ देखिए इस जगह पे, दिस इज द कंप्लीट एंगल अल्फा, अल्फा में से पाई बाय 4 एंगल डिलीट हो जाएगा, सो दिस एंगल विल बी अल्फा माइनस पाई बाय 4. लेट से दिस एंगल इज थीटा, लेट से इट्स स्लोप, तो इसका जो न्यू लाइन का स्लोप है, स्लोप हम लिख सकते हैं इसका tan थीटा, दिस इज द न्यू स्लोप ऑफ द लाइन, राइट. सो देयरफॉर हम इस पर क्या काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि नया वाला स्लोप निकाल रहे हैं, न्यू स्लोप. और लाइन जो है ऑलरेडी -1, 1 से, तो -1, 1 से पास हो ही रही है ऑलरेडी, तो जब आपके पास में पॉइंट मालूम है और आपको नया स्लोप मालूम चल जाएगा, सो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख देंगे. ठीक है ना, तो इसमें ऐसा कीजिए कि यहाँ पे लिखेंगे एज थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई बाय 4, राइट. सो tan अप्लाई कर देंगे, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा माइनस पाई बाय 4 एंड tan अल्फा माइनस tan पाई बाय 4 1 प्लस tan अल्फा tan पाई बाय 4, राइट. tan अल्फा की वैल्यू ये डायरेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, tan अल्फा 3/4 है, माइनस tan पाई बाय 4 1 हो गया, 1 प्लस tan अल्फा इज 3/4, राइट, एंड 10 पाई बाय 4 1, सो दिस इज -1 आएगा, -1/4 न्यूमरेटर में,
और डिनोमिनेटर में आएगा 4 + 3 7/4 आएगा, 4 दोनों तरफ कैंसिल, सो माइनस 1/7 इज द स्लोप ऑफ न्यू लाइन, राइट। अब इसका स्लोप हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन, वही पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन लिखने जा रहे हैं। स्लोप हम ये वाला यूज करेंगे, पॉइंट वही है -1,1, तो लाइन लिख दीजिए y -1 इक्वल्स टू m, m इज -1/7, x माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 + 1, राइट। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7y - 7 इक्वल्स टू -x - 1, और यू कैन राइट द x + 7y - 6 इक्वल टू 0। आंसर चेक कीजिए, x + 7y - 6 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3।